आप सबको मेरा नमस्कार। इस डिब्बे को तो आप देख ही रहे हैं। इस डिब्बे में जानते हैं क्या है? इस डिब्बे में है पीको। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे विस्तार से कि पीको का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए इस डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस डिब्बे के अंदर। ये है पीको। इसी पीको से वीडियो को देखा जा सकता है। ये है चार्जर। इसी के द्वारा चार्ज करके हम पीको आसानी से और आराम से चला सकते हैं। और ये है रिमोट। और इस रिमोट के द्वारा हम वीडियो को संचालित कर सकते हैं। ये है निर्देशिका। इस निर्देशिका में पीको को संचालित करने का पूरा तरीका बताया गया है। अगर आप भूल जाएं तो इस निर्देशिका को पढ़ के भी पीको को संचालित कर सकते हैं। तो ये पीको तो आप देख ही रहे हैं। चलिए अब हम ये जानें कि ये पीको काम कैसे करता है और इस पीको में कहां कहां कौन कौन सा बटन है। तो हम विस्तार से जानेंगे हर एक बटन का क्या कार्य है। ये पीको का ऑन ऑफ बटन है और इसके माध्यम से पीको को चालू किया जाता है और पीको को बंद किया जाता है। ये जो बटन आप देख रहे हैं इसका नाम है जॉयस्टिक। इस जॉयस्टिक पे अलग अलग काम है। पहला काम है इसको दबा के पीको को चालू किया जा सकता है। पीको का ऑन बटन दबाते ही यहाँ आपको ये बटन दिख रहा है ना, इसमें लाल बत्ती जल जाएगी। इस बटन को 3 सेकंड तक दबा कर रखने से पीको चालू हो जाएगा। दूसरा काम है इसके द्वारा आवाज को कम या अधिक किया जा सकता है। और तीसरा काम है इसका इस्तेमाल करके वीडियो सूची में जाकर के वीडियो को चुना जा सकता है। अगर वीडियो चालू होने पर वो धुंधला सा दिखे तो उसको ठीक करने के लिए ये बटन है। इस बटन को आगे पीछे करके आप उसका धुंधलापन दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कई तरीके के सांचे हैं। इसमें से केवल ये 3 सांचे इस्तेमाल के हैं। पहला सांचा साउंड या स्पीकर का तार लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा सांचा वीडियो वाले पेन ड्राइव को लगाने के लिए किया जाता है। और ये तीसरा सांचा चार्जर के तार को लगाने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये पीको का चार्जर है और ये 2 भागों में है। सबसे पहले हम इन 2 भागों को आपस में जोड़ेंगे। अब ये जुड़ गया। अब हम इसका प्लग जो है यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद ये भाग जो है उसको हम पीको के यहाँ पर लगाएंगे। ये स्विच ऑन करते ही यहाँ पर आपको लाइट जो है वो जलने लगेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये पीको अब चार्ज कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, पीको का संचालन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप इस रिमोट का इस्तेमाल करें। आइए इस रिमोट में हम कुछ मुख्य बटन के कार्यों को जानें। ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर आप वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह बना हुआ है, इस बटन को आप ऊपर की ओर दबाएंगे तो वीडियो का आवाज बढ़ेगा, नीचे की ओर दबाएंगे तो वीडियो का आवाज घटेगा। ये जो बटन आप देख रहे हैं इस बटन को दबाने से वीडियो का आवाज बंद हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम कुछ बटन को देखते हैं। ये बाएं दाएं ऊपर नीचे जो ये बटन है, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे दबा करके और उसके बाद आप ओके बटन दबाएंगे तो आप जिस वीडियो को चाहते हैं वो वीडियो आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। ये देखिए ये एक बटन है। इस बटन को दबाने के द्वारा आप वीडियो की मेन सूची में जा सकते हैं और उसके बाद आप अपने पसंद के वीडियो को
चुन सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर कुछ बटन है। अगर आपको वीडियो को रोक करके कुछ चर्चा करनी है तो ये वाला बटन, ये पॉज बटन कहलाता, आप इसको दबा दें। वापस फिर वीडियो को चलाना है तो आप इस बटन को दबा दें। अगर वीडियो को आपको पीछे ले जाना है तो आप इस बटन को दबाएं। अगर वीडियो को आपको आगे ले जाना है तो आप इस बटन को दबाएं। पीको को आगे की तरफ ले जाने पर दीवार पर तस्वीर छोटी बनती है और पीको को पीछे की तरफ ले जाने पर दीवार पर तस्वीर बड़ी बनती है। ये रिमोट बैटरी से चलता है और उसकी बैटरी यहाँ लगी होती है। पीको चलाते समय और दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखिए। पहला, पीको को थोड़ी ऊंचाई पर रख के चलाएं, जिससे पीछे तक दर्शकों को आसानी से वीडियो दिखाई दे। और दूसरा, अगर दीवार साफ और सफेद ना हो तो आप दीवार पर किसी सफेद धोती, चादर या साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो साफ सुथरा दिखाई दे। ध्यान रहे, पीको को आप जिस भी कमरे में चलाएं वो कमरा अंधेरा किया हुआ, ताकि पीको का वीडियो साफ साफ दिखाई दे। और हाँ, पीको का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें, बहुत सावधानी के साथ उसको चलाएं और सावधानी के साथ उसको रखें। ये जो लेंस आप देख रहे हैं, इसको साफ करने के लिए आप किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल करें और धूल, पानी, पसीना से इसको बचा के रखें और हाथ भी इसमें ना लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि अब आप पीको चलाना सीख गए होंगे और पीको चलाएंगे। नमस्ते।